80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की हॉट सीट अमेठी पर, जहां पहले जानकार मान रहे थे कि राहुल गांधी के चुनाव न लड़ने से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लिए राह आसान होगी, तो अब ये भी कहा जा रहा है कि स्मृति के लिए इस बार का चुनाव मुश्किल हो सकता है। अमेठी जहां से संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जीतकर कई बार संसद पहुंचे, अमेठी जिसने स्मृति ईरानी के लिए संसद के दरवाजे न सिर्फ खोले बल्कि अलग पहचान दिलाई, अब यहां महासंग्राम होने के आसार है। समीकरण देखकर जानकारी अनुमान लगा रहे हैं कि कांग्रेस यहां अभी इतनी कमजोर नहीं है, यहां चेहरे मायने जरूर रखते हैं लेकिन इस बार पार्टियों की भी बातें हैं। ऐसे में भले ही गांधी परिवार का कोई चुनावी मैदान में ना हो लेकिन पंजे के निशान पर आज भी काफी लोगों को भरोसा है। कांग्रेस ने अमेठी को HAL, BHEL, वेस्पा जैसे प्रोजेक्ट दिए। राहुल गांधी के अमेठी की बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने का मुद्दा बना था लेकिन अब इसकी चर्चा नहीं है। कांग्रेस ने किशोरी लाल को टिकट देकर बड़ा दाव चला है। जमीनी नेता है, अमेठी में सालों से कांग्रेस के लिए काम करते आ रहे हैं। उनके खिलाफ कहा जाता है कि किसी के पास कोई मुद्दा भी नहीं है। उनका सालों का जनसंपर्क उनके काम आ रहा है, उनसे कोई भी मिल सकता है। कांग्रेस ने अपनी कूटनीति में बीजेपी को उलझा लिया है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि चुनाव में स्मृति ईरानी को एक तरफा जीत मिलेगी। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार दूसरी जीत के इरादे से चुनाव लड़ रही हैं, तो बीजेपी के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न है। भाजपा आयोग के अपने दावे हैं। स्मृति ईरानी ने 2019 में राहुल गांधी को 55,120 मतों से हराकर कांग्रेस की पारंपरिक सीट पर बीजेपी का कब्जा करवाया था। 2014 में राहुल गांधी ने स्मृति को 1,07,903 मतों से हराया था। इस बार राहुल गांधी के बजाय कांग्रेस ने सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा है। किशोरी लाल 44 सालों से अमेठी और रायबरेली में एक्टिव है। BSP के उम्मीदवार नन्हे सिंह चौहान मुकाबले को कितना त्रिकोण दे पाते हैं ये तो समय ही बताएगा। यहाँ के 5 विधानसभा क्षेत्रों में तिलोई, सैलून और जगदीशपुर पर बीजेपी का कब्जा है, तो गौरीगंज और अमेठी की विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68% की तुलना में 69.72% साक्षरता दर के बाद भी रोजगार के अभाव में अमेठी के लोगों की आय का मुख्य स्रोत खेती ही है। बेसहारा पशुओं से किसान परेशान है, ऐसे में चुनाव कौन जीतेगा इन किसानों पर भी काफी हद तक निर्भर करता है। योगी आदित्यनाथ ने इस दिशा में कदम उठाया है। कहा जाता है कि सरकार पैसे भी दे रही है लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बेसहारा पशुओं पर पैसा खर्च नहीं हो रहा, इससे किसानों को काफी नुकसान है। जाति गणित पर भी सबकी नजर है। पिछड़े जातियों के 30, ब्राह्मण के 18, ठाकुर 12, वंचित समाज के 23 और मुस्लिम करीब 17% है। अमेठी में राजघरानों का भी प्रभाव नजर आता है। फिलहाल इस चुनाव में राज परिवार से डॉक्टर संजय सिंह और मयंकेश्वर शरण सिंह पर भी सबकी नजरें हैं। मयंकेश्वर तिलोई से विधायक और राज्य मंत्री भी हैं, जबकि डॉक्टर संजय सिंह पिछला विधानसभा चुनाव 18,096 मतों से हार गए थे। तो कहना गलत नहीं होगा कि इस बार अमेठी का रण देखने लायक होगा और यहाँ किसी की भी जीत पक्की नजर नहीं आ रही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।